नमस्कार मित्रों, लेकर आए हूँ महिंद्रा जीवो 305 DI, जिसके बारे में यहाँ पर पूरी की पूरी जानकारी दी जाएगी, जिसमें आपको कीमत और इसके फ्यूचर्स यहाँ पर पूरे के पूरे देखने को मिलते हैं। तो वीडियो में जरूर अंत तक बने रहना। देखिए, ये बागवानी स्पेलेटिस ट्रैक्टर है, जो कि मिनी ट्रैक्टर है। इसका इंजन आता है 2 सिलेंडर में, जिसकी हॉर्स पावर श्रेणी दी गई है 30 हॉर्स पावर की श्रेणी में। ये मिनी ट्रैक्टर महिंद्रा जीवो जो कि 305 DI हमें आता है। इस हॉर्स पावर की श्रेणी में ये काबिलियत होता है कि ये ट्रैक्टर काफ़ी अच्छा मुनाफादार होता है, क्योंकि ये किसान भाइयों के लिए काफ़ी यूजफुल हो सकता है। अभी के टाइम में होने वाले बाग बगीचों और जैसे कि अनार की फसल हो और कोई अंगूर की फसल हो, उसमें आप इस ट्रैक्टर का यूज कर सकते हो, और काफ़ी सारे फसलों में आप इस ट्रैक्टर का यूज कर सकते हो। इसमें 89 NM के टॉर्क दिए गए, इंजन रेटेड RPM 2500 दी गई है, जिसमें PTO की हॉर्स पावर श्रेणी 24.5 दी गई है। जो PTO की हॉर्स पावर वो है 2500 हॉर्स पावर की PTO देखने को मिलती है इस छोटे वाले मिनी ट्रैक्टर में, जो कि इंजन रेटेड 2500 दी गई है। इस ट्रैक्टर के बारे में खूबी और जैसे कि क्वालिटी के थ्रू बात करें, तो क्वालिटी आपको काफ़ी ज़बरदस्त देखने को मिलती है, क्योंकि काफ़ी यूनिक सा ट्रैक्टर लगता है। देखने में आपको काफ़ी एट्रैक्टिव लगता होगा। अगर आपको ये ट्रैक्टर काफ़ी पसंद आता है और आपको ऐसा महसूस होता है, तो कमेंट में ज़रूर बताएगा, क्योंकि इस ट्रैक्टर के बारे में कुछ ज़्यादा से ज़्यादा इसकी नॉलेजेबल इसकी इन्फॉर्मेशन देखने को मिले, तो यहाँ पर आपको स्क्रीन पर सभी देखने को मिलती है, इसके फ्यूचर वगैरह सब आप देख सकते हो। ट्रांसमिशन आपको स्लाइडिंग मेस देखने को मिलेगा। अब देखिए, इसके अंदर जो कि टर्निंग रेडियंस इसकी देखने को मिलता है 2.3 मीटर का आपको देखने को मिलता है, जो कि गोलाकार राउंड में घूम सकता है ट्रैक्टर। अगर बात करते हैं इसके गियर सिस्टम की, गियर बॉक्स की, तो 8 फॉरवर्ड के लिए दिए गए हैं और 4 रिवर्स के लिए दिए गए हैं। आप यानी कि 8 आगे के लिए लगा सकते हो और 4 रिवर्स के लिए लगा सकते हो इस मिनी ट्रैक्टर में, जो कि चलाते समय काफ़ी आपको अच्छा होता होगा। गियर के सिस्टम में आपको ज़्यादातर फायदा होता ही होगा और होगा। आप ट्रैक्टर खरीदोगे तो आपके लिए काफ़ी अच्छा है। अब देखिए, इसका स्ट्रिंग दिया गया है, वो पावर स्ट्रिंग दिया गया है। ये ट्रैक्टर काफ़ी बिकने वाला भी है और इसकी महिंद्रा कंपनी का ये ट्रैक्टर ज़्यादा से ज़्यादा बिकने वाला है और बिकता भी है। अभी जो कि महिंद्रा जीवो 305 यही आया है, इस ट्रैक्टर में काफ़ी सारे फ्यूचर भी देखने को मिलते हैं, क्योंकि लिफ्ट कैपेसिटी देखी इसकी 750 kg की लिफ्ट कैपेसिटी देखने को मिलती है, 750 kg की, जो कि काफ़ी हैवी दी गई है। हैवी ड्यूटी लिफ्ट कैपेसिटी भी आपको देखने को मिलती है। इसमें व्हील और टायर की बात करते हैं, तो फिर फोर व्हील ड्राइव आते हैं और टायर आपको देखने को मिलते हैं यानी कि 614 के टायर देखने को मिलते हैं, 614 के। और ये ट्रैक्टर की जैसा कि वारंटी के थ्रू आपको बताऊं, तो यहाँ पर वारंटी 2000 घंटे देखने को मिलती है, जिसमें आपको जैसा कि 2 साल की वारंटी देखने को मिलती है, जिसमें कंपनी आपको यानी कि ठीक करके देती है कोई भी प्रॉब्लम आए तो। अब जैसा कि हमने काफ़ी सारे इस ट्रैक्टर के यानी कि फ्यूचर देख लिए हैं, तो अब देखिए इसकी कीमत क्या दी गई है, कीमत इसकी प्राइस क्या रखी गई है। वो प्राइस यहाँ पर देखिए, प्राइस इसकी दी गई है 490,000 से लेकर 550,000 तक आपको इसकी कीमत देखने को मिलेगी, जो कि काफ़ी यानी कि आपको ज़्यादातर लगती होगी। और इसमें जैसा कि ऑन रोड प्राइस है जो कि शोरूम, इसमें जो कि कोई डिफरेंट तो यानी कि 17 के हिसाब से आपको काफ़ी सारा देखने को मिलता है, लेकिन यहाँ पर प्राइस दी गई है वो इस प्रकार से हैं। अब इसमें ट्रैक्टर के साथ इतना ही, जैसा कि मैंने पूरे के वीडियो में पूरी जानकारी दी है, तो अब तक के लिए इतना ही। जय जवान जय किसान। इस ट्रैक्टर को अगर आप पसंद करते हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, एंड चैनल बने तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर करें।